प्रदेश के मैनपुरी में बैरियर तोड़कर घुसे अनियंत्रित ट्रक ने 6 साल की बच्ची को रौंद दिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। मजदूर परिवार हरियाणा से अपने घर बाबरी सीतापुर जा रहा था, तभी किशनी थाना क्षेत्र के खिदरपुर पर यह दर्दनाक हादसा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया, वहीं शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे किशनी से सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया ने जहां परिवार को ढांढस बताया है, तो वहीं सरकार से पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की गुहार लगाई गई है। सीतापुर के बबरी निवासी शिव कुमार अपने परिवार के साथ हरियाणा में मजदूरी करता था। बेरोजगार होने के बाद वह अपने परिवार, पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ अपने घर सीतापुर वापस जा रहा था। कभी ट्रक और कभी ट्रैक्टर के माध्यम से वह मैनपुरी तक पहुंचा था। मैनपुरी इटावा बॉर्डर पर खिदरपुर के पास वह जैसे ही ट्रैक्टर से नीचे उतरा, तभी तेज रफ्तार में आ रहे गिट्टी से भरे ट्रक ने बैरियर तोड़ते हुए शिव कुमार की 6 वर्षीय बच्ची प्रियंका को रौंद दिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जहां ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया, तो वहीं बच्ची के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम हाउस पर परिवार को सांत्वना देने पहुंचे किशनी से सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया ने जहां परिवार को फल और पानी उपलब्ध करवाया, तो वहीं सरकार से पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग भी की। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। हमारा शिव कुमार नाम है सर। अच्छा, बेटी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, किस तरीके से हो गई, कहाँ जा रहे थे तुम लोग? हम आ रहे थे, घर जा रहे थे सर, सीतापुर जा रहे थे, सीतापुर से अपने घर चले जाते, उन्हें पीछे से टक्कर मार दिया, बेटी मेरी गुजर गई, हाँ है करके चले गए। कहाँ पे घटना हुई, कहाँ तुम काम करते थे, कहाँ से आ रहे थे? हरियाणा से साहब आए हैं। क्या करते थे वहाँ? बस इस गेहूं की लावनी किया, फिर तेरे लॉकडाउन हो गया, वही परे परे खाए, साहब एक पैसा ना थे मेरे, जैसे बना वैसे बैठे बैठे चले आए साहब पैदल। घटना कहाँ पर हुई है? घटना खिदरपुर हुई साहब। क्या मामला हुआ है? क्या बहुत ही दुखद घटना है, ये सीतापुर के प्रवासी मजदूर हैं जो बेचारे हरियाणा में अपनी मेहनत मजदूरी करके गुजर कर रहे थे, इस संकट की घड़ी में बेचारे वहाँ से अपने घर आने की कोशिश में थे, और वहाँ से कुछ देर पैदल चले, कुछ दूसरा साधन, कहीं दूसरा साधन, इस तरह करते करते जैसे तैसे लिया गया ट्रक से, और वहीं ये खड़े थे तब तक ये इटावा की तरफ से ट्रक आया, जिससे एक्सीडेंट हुआ, जिसमें इनकी 6 वर्ष की बच्ची ख़त्म हो गई, इसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम हो रहा है। निश्चित रूप से दुर्घटना के लिए है नहीं, सरकार इस तरह के जो प्रवासी मजदूर हैं, जिनकी विचारों की इस दर्दनाक मृत्यु हो रही, निश्चित इनके लिए सरकार गंभीर हो, और कम से कम पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद हो, और इस तरह के तमाम सारे मजदूर जो पूरे देश में जगह जगह भटक रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, कम से कम उनकी निश्चित बंदोबस्त हो, उन्हें उन तक घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, और प्रशासन सरकार इसके लिए निश्चित रूप से जिम्मेदार हो, सरकार इस तरफ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.